वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस. हम ये वीडियो लेक्चर कर रहे हैं ऑन मुगल एम्पायर और ये हमारा पार्ट वन ऑफ द वीडियो है. शुरुआत करते हैं मुगल एम्पायर के बारे में. इससे पहले वाले जो वीडियोस थे उसमें हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, कैसे रूल किया, वो सब कवर किया है. और आज मैं आपसे बात करूंगी मुगल पीरियड के बारे में. तो भारत में मुगल एम्पायर की नींव रखी बाबर ने. ओके, बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद 1526 से लेकर 1530 तक भारत पर शासन करते हैं और इनको फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया माना जाता है. इनका ओरिजिनल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद और ये तिमूर से रिलेटेड थे. ही वॉज रिलेटेड टू तिमूर फ्रॉम हिज फादर्स साइड और अपनी माँ के थ्रू ये चंगेज खान से संबंधित थे, तो ग्रेट एंसेस्टर्स थे इनके. ओके, ही सक्सीडेड हिज फादर. इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और जो पिता थे इनके वो फरगना के रूलर थे. लेकिन बहुत ही छोटी उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और फिर ये खुद फरगना के शासक बनते हैं. लेकिन वहां से इनको इनके चाचा ने भगा दिया, इनको वहां से खदेड़ दिया और उसके बाद इनका बहुत स्ट्रगल होता है अपने साम्राज्य को वापस पाने के लिए. He remained wanderer for some time and later captured Kabul from one of his uncles. Okay, और उसके बाद इन्होंने भारत पर चार अभियान चलाए और ये चार अभियान जो थे ये 1519 से लेकर 1526 तक, 1519 से 1526 के बीच इसने भारत के ऊपर चार अभियान चलाए. मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की अगर बात की जाए तो 1525 में व्हेन बाबर वांट टू इन्वेड इंडिया देयर वर फाइव प्रोमिनेंट मुस्लिम रूलर्स. 1525 से कोशिश की जाने लगी कि भारत के ऊपर मुझे विजय पानी है. बाबर ने ये प्रयास किया 1525 में. व्हेन बाबर ही वांटेड टू इन्वेड इंडिया, भारत में उस समय पांच प्रोमिनेंट मुस्लिम रूलर्स थे. सुल्तान ऑफ दिल्ली, ओके, इब्राहिम लोदी, गुजरात, मालवा, बंगाल और डेक्कन में. द टू प्रोमिनेंट हिंदू रूलर्स उस समय जो थे, एक तो थे राणा सांगा ऑफ मेवार और दूसरा जो विजयनगर साम्राज्य था वहां पर. ही स्टार्टेड फ्रॉम काबुल टू कॉन्कर इंडिया और आसानी से इन्होंने लाहौर को कैप्चर कर लिया. ही ऑक्यूपाइड लाहौर इजिली बाई डिफीटिंग इट्स गवर्नर और उस समय लाहौर के गवर्नर थे दौलत खान लोदी. उसके बाद ही मूव्ड टू दिल्ली और 1526 में हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई होती है और इब्राहिम लोदी जो हैं वो मारे जाते हैं. और ऐसा कहा जाता है कि बाबर की जो सेना थी वो छोटी थी इब्राहिम लोदी की सेना की तुलना में, लेकिन बाबर की जो कैवलरी थी, बाबर की जो आर्टिलरी थी और बाबर की जो स्ट्रैटेजी थी वो फार सुपीरियर थी. इन्होंने गन पाउडर का भी इस्तेमाल किया जिसकी वजह से बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को हरा पाए. गन पाउडर वॉज नॉट यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय बाबर. ऐसा बहुत पुस्तकों में आप देखेंगे कि बाबर ने पहली बार भारत में गन पाउडर का इस्तेमाल किया, परंतु ऐसा नहीं है. दे वर ट्रांसमिटेड टू इंडिया थ्रू द मंगोल इन्वेजन्स ऑफ इंडिया. उसके बाद बाबर जो है ये दिल्ली पर कब्जा करते हैं इब्राहिम लोदी को हराने के बाद एंड सेंट हिज सन हुमायूं टू कैप्चर आगरा. ओके, स्वयं दिल्ली पर ये कब्जा करते हैं और अपने बेटे हुमायूं को भेजते हैं कि वो जाकर आगरा पर आगरा को कैप्चर करे. बाबर प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ हिंदुस्तान. बाबर जो हैं उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान के सम्राट के रूप में घोषित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी. Estimates of Babur, Babur का मूल्यांकन, he was a great statesman and a great scholar. बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था ये. Arabic और Persian languages इनको बहुत अच्छे से आती है. इन्होंने स्वयं अपनी जीवनी लिखी जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबर नामा भी कहा जाता है और ये तुर्की भाषा में लिखी हुई है. और इस पुस्तक में इन्होंने बहुत अच्छे से उन सभी चीजों का वर्णन किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये काबुल से आए थे, तो जो कुछ भी काबुल में होता था और भारत में नहीं था उनके बारे में इन्होंने लिखा, जो भारत में इन्होंने देखा और काबुल में नहीं था वो इन्होंने देखा. तो एक आउटसाइडर के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है जो हमें काफी चीजें बताती है. जैसे भारत में गुलाब का फूल नहीं होता था, भारत में गुलाब का फूल जो है वो मुगल लेकर आए हैं. तो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे ये और अच्छी फैमिली से रिलेटेड थे ये, ग्रेट स्टेट्समैन, ग्रेट स्कॉलर थे. बैटल ऑफ खानवा, राणा सांगा ऑफ मेवार. हमने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो देख लिया. अब क्या, जब ये राजा बन गए, जब ये शासक बन गए, उसके बाद जो चार साल इन्होंने शासन किया वो शांतिप्रिय रहा, कोई गड़बड़ नहीं हुई, ऐसा नहीं है. बैटल ऑफ खानवा होगा खानवा का युद्ध. राणा सांगा ऑफ मेवार जो कि एक राजपूत वॉरियर थे, ही मार्च्ड अगेंस्ट बाबर एंड इन द बैटल ऑफ खानवा बाबर वन अ डिसिसिव विक्ट्री ओवर हिम. जो राणा सांगा ऑफ मेवार थे उनके साथ इनका होता है बैटल ऑफ खानवा
और ये राणा सांगा ऑफ मेवाड़ जो थे ये ग्रेट राजपूत वॉरियर थे। इनकी लड़ाई होती है बाबर के साथ, कब होती है 1527 में, और इसमें बाबर इनको हरा देते हैं और उसके बाद बाबर जो है वो खिताब लेते हैं, गाजी का खिताब। उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी होता है, बैटल ऑफ घाघरा होता है। बैटल ऑफ चंदेरी होता है 1528 में। 1528 में बाबर डिफीटेड अनदर राजपूत रूलर जिसका नाम था मेदनी राय और उसको हराया था चंदेरी में। इन द नेक्स्ट ईयर बाबर डिफीटेड द अफगान्स इन द बैटल ऑफ घाघरा, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड घाघरा इन बिहार। बाई दीज विक्ट्रीज बाबर कंसोलिडेटेड हिज पावर इन इंडिया। तो बैटल ऑफ पानीपत के बाद बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा के बाद बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी के बाद बैटल ऑफ घाघरा। तो काफी सारी चार लड़ाइयां, महत्वपूर्ण लड़ाइयां इन्होंने जीती, अपने साम्राज्य को इन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया। और उसके बाद बाबर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है 1530 में, आगरा में इनकी मृत्यु होती है और उस वक्त इनकी एज होती है 47 ईयर्स। और उसके बाद इनके जो बेटे हैं हुमायूं, ये जो हैं अगले शासक बनते हैं। हुमायूं जो हैं इनके चार, बाबर के चार बेटे थे और बाबर ने मरने से पहले अपने बेटे हुमायूं से ये वादा करवाया कि तुम मेरे मरने के बाद अपने भाइयों के प्रति काइंड हार्टेड रहोगे, ओके। और जो तिमुरॉइड ट्रेडिशन था उसमें क्या होता था कि पिता मरने से पहले अपने साम्राज्य को अपने बेटों के बीच में बांट देता था ताकि बेटों में संपत्ति के लिए, राजगद्दी के लिए लड़ाइयाँ ना हो। लेकिन बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को ऐसा करने से मना किया क्योंकि इन्होंने अभी ये नए नए से भारत आए थे, केवल 4 वर्ष ही हुए थे मुगल साम्राज्य को भारत में स्थापित किए, तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसे इनिशियल स्टेज में जो एम्पायर है वो डिवाइड हो। तो उन्होंने हुमायूं से कहा कि तुम अपने भाइयों के प्रति उदार रहना, काइंड पॉलिसी अपनाना उनके प्रति। हुमायूं के जो टाइम पीरियड है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1530 टू 1540 और 1555 टू 1556। ये बाबर के सबसे बड़े बेटे थे, एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर। हुमायूं मींस फॉर्चून बट ही रिमेन्ड द मोस्ट अनफॉर्चुनेट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर। आप इनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं पर होता नहीं है। एक बार तो इनके बारे में ऐसे भी कहा गया है, ही वॉज अ प्रिंस विदाउट अ थ्रोन, कि ये राजकुमार तो था, राजा तो था, परंतु इसके पास राजगद्दी नहीं थी क्योंकि इनको कुछ समय भारत के बाहर भी बिताना पड़ा जब बीच में भारत में सूरी डायनेस्टी आ जाती है। इनके भाई हैं कमरान, अश्करी और हिंदल, ये स्टेप ब्रदर्स ऑफ हुमायूं थे, स्टेप ब्रदर्स थे, सौतेले भाई थे। Probably he was the only king to treat his step brothers as real brothers and received betrayal in response. इन्होंने अपने पिता बाबर से वादा किया था कि मैं अपने भाइयों के प्रति अच्छा व्यवहार करूंगा और ये वास्तविक रूप से बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु इनके भाई जो हैं वो सौतेले भाई ही रहते हैं। Probably only ruler in history of India whose rule included two spells, okay? दो time period है इनके, एक तो 1530 से 1540 और 1540 से लेकर उसके बाद ये भारत से बाहर रहते हैं कुछ समय के लिए और दिल्ली में आ जाती है सूरी डायनेस्टी, फिर 1555 से 1556 तक ये रूल करेंगे। हुमायूं डिवाइडेड द एम्पायर अमंग हिज ब्रदर्स बट दिस हॉन्टेड हिम लेटर ऑन। कामरान जो इनके भाई हैं उनको ये काबुल और कंधार वाला पोर्शन देते हैं, अस्करी को रोहिलखंड वाला पोर्शन देते हैं और हिंदल को मेवात वाला पोर्शन देते हैं जो आज का अलवर, मथुरा और गुड़गांव वाला क्षेत्र है। तो इनको अलग अलग क्षेत्र देकर इनसे कहते हैं कि जाओ वहां शासन करो। व्हेन हुमायूं वाज फाइटिंग विद अफगान्स इन द ईस्ट, बहादुर शाह ऑफ गुजरात स्टार्टेड टू मार्च टूवर्ड्स दिल्ली। हुमायूं के दो समकालीन रहे जिनसे इनको बहुत बड़ी चुनौती मिली, एक है बहादुर शाह जो कि गुजरात में थे और दूसरे थे शेर शाह सूरी जो कि बिहार वाले क्षेत्र में थे। तो जब हुमायूं जो है अफगान्स के साथ लड़ रहे थे ईस्ट में, बहादुर शाह जो गुजरात के शासक थे उनके बारे में इनको संदेशा मिला कि वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। 1535 में बहादुर शाह ने अटैक किया चित्तौड़ पर, रानी कर्णवती ऑफ चित्तौर सेंट अ राखी टू हुमायूं एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। एट दैट टाइम हुमायूं वाज ऑन बंगाल्स इन्वेजन, ही अशोर्ड द रानी फॉर हेल्प। He left the expedition in midway and reached up to Gwalior, but he was late and Bahadur Shah had ransacked Chittor. ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि रानी कर्णवती ने किससे मदद मांगी थी, तो रानी कर्णवती ने हुमायूं से मदद मांगी थी। हुमायूं रीच्ड द चित्तौर एंड डिड डिफीट बहादुर शाह एंड reinstated कर्णवतीज सन विक्रमादित्य सिंह एज द रूलर ऑफ मेवार आफ्टर द मास सुसाइड। इन द मीन टाइम शेर शाह हैड बिकम पावरफुल इन द ईस्ट। तो ईस्ट में इनको शेर शाह सूरी से चैलेंज था और गुजरात की साइड से जो कि वेस्ट में था वहां से इनको बहादुर शाह से चैलेंज था।
1539 में हुमायूं मार्च्ड अगेंस्ट शेर खान और होता है बैटल ऑफ चौसा। ये जो बैटल ऑफ चौसा था बट सून हैव टू एस्केप बिकॉज ऑफ मुगल आर्मीज डिफीट। वहां पर बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं हार जाते हैं। उसके बाद एक और बैटल होता है जिसको बैटल ऑफ बिलग्राम कहा जाता है शेरशाह सूरी के साथ। ये बैटल होता है 1540 में। इसमें भी हुमायूं बुरी तरह से हार जाते हैं। जब हुमायूं हार गए तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दिल्ली में नींव रखी जाती है सुर डायनेस्टी की। वहां से ये ईरान भाग जाते हैं। 1540 में ये ईरान भाग जाते हैं और ईरान रहते हैं ये करीबन 12 साल। और उस वक्त इनकी पत्नी भी गर्भवती थी, तो अपनी पत्नी अकबर होने वाले थे, अपनी पत्नी को ये राजस्थान में छोड़कर, इनके एक मित्र थे उसके पास छोड़कर ये चले जाते हैं। After Sher Shah's death, Humayun invaded India in 1555. तो ईरान में काफी लंबे समय तक ये रहे और उस वक्त भारत में इनका एक बहुत ही विश्वसनीय था बैरम खान। आपने जरूर बैरम खान के बारे में सुना होगा। बैरम खान जो हैं, ये अकबर की भी बहुत मदद करेंगे। तो बैरम खान जो थे, उन्होंने इनको हर प्रकार के इंडिया में जितने डेवलपमेंट्स हो रहे थे सबके बारे में अवगत कराया। तो फाइनली फिर 1555 में इन्होंने भारत को इन्वेड किया एंड डिफीटेड हिज ब्रदर्स द अफगान्स। He once again became the ruler of India. और उसके बाद इनकी मृत्यु होती है 1556 में। He died while climbing down the stairs of his library. और इनकी लाइब्रेरी जो थी वो थी एट दीन पन्हा इन 1556 एंड ही वॉज बरिड इन दिल्ली। इनकी बहन है, बहन का नाम है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने इनकी बायोग्राफी लिखी है, इनकी जीवनी लिखी है, जिसका नाम है हुमायूं नामा। और इनकी जो पत्नी है उन्होंने हुमायूं का मकबरा बनवाया। ही बिल्ट दीन पन्हा एट दिल्ली एज हिज सेकेंड कैपिटल। अब हम बात करते हैं सूर वंश के बारे में या शेरशाह सूरी के बारे में, जिसने 1540 से लेकर 1545 तक दिल्ली पर शासन किया। ओके, सूर डायनेस्टी की इन्होंने नींव रखी और ये बहुत ही कर्मठ व्यक्ति था, बहुत ही मेहनती। कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठ जाता, सारा दिन घोड़े पे चढ़ा रहता और बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर। ये फाउंडर है सूर डायनेस्टी के। इनका ओरिजिनल नाम था फरीद और इनके जो पिता हैं उनका नाम था हसन खान। ये एक जागीरदार थे सासाराम इन बिहार में, ठीक है। इनिशियली फरीद सर्व्ड अंडर द अफगान रूलर ऑफ बिहार हु गेव हिम द टाइटल ऑफ शेर खान फॉर हिज ब्रेवरी। ये कोई बहुत बड़े राजघराने से नहीं थे, ओके? आप देख सकते हैं कि इनके पिता जो थे जागीरदार थे सासाराम इन बिहार में, ओके? और इनिशियली फरीद सर्व्ड अंडर अफगान रूलर ऑफ बिहार और उनको इनको टाइटल दिया गया था शेर खान फॉर हिज ब्रेवरी। शेर शाह took the throne as Hazrat-e Ela. He gained Chunar. Okay, वहां पर बिहार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोर्ट है चुनार, ठीक है। और चुनार जो था वो एक औरत के पास था जिसका नाम था लाड मलिका, जो कि एक विधवा थी। तो जो ये शेर फरीद थे इन्होंने शादी कर ली लाड मलिका से, जो विडो ऑफ गवर्नर ऑफ चुनार, और उसके बाद इनको चुनार का किला मिल गया। ही बिकेम रूलर ऑफ दिल्ली इन 1540 बाय डिफीटिंग हुमायूं। एक्सटेंसिव वॉर्स ऑन राजपूत एक्सटेंडेड हिज एम्पायर। तो चुनार का किला मिलने के बाद इन्होंने चारों तरफ अपने साम्राज्य को फैलाना स्टार्ट किया। उनकी कॉन्क्वेस्ट में क्या क्या आता है, उनकी कॉन्क्वेस्ट में सिंध आता है, पंजाब आता है, मालवा आता है, मुल्तान आता है, बुंदेलखंड आता है। हिज एम्पायर कंसिस्टेड ऑफ होल ऑफ नॉर्थ इंडिया और एक्सेप्ट फॉर असम, नेपाल, कश्मीर एंड गुजरात। मिनिस्टर्स, द किंग वॉज हेल्प्ड बाई 4 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स। राजा की मदद करने के लिए 4 महत्वपूर्ण मिनिस्टर हुए। उनके नाम क्या क्या है, दीवाने विजारत जिसको वजीर कहते हैं, जो कि इंचार्ज थे रेवेन्यू और फाइनेंस के, दीवाने अरिज जो कि इंचार्ज थे आर्मी के, दीवाने रसालत ये फॉरन मिनिस्टर थे, रसालत वॉज फॉर रिलीजियस मैटर्स अंडर दिल्ली सल्तनत, और दीवाने इंशा जो कि थे मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जो इनकी मदद करने के लिए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एंड ऑफिशियल्स देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में नाम आता है एकता, जिसको प्रोविंस कहते हैं, सरकार, डिस्ट्रिक्ट, परगना, तालुका, ग्राम, विलेज। एकता का हेड कौन था, हकीम या अमीन। सरकार या डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन है, शिकर ए मुशिदरन या मुनसिफ ए मुनसिफान। परगना का हेड है शिकदर या मुनसिफ, और फाइनली ग्राम का हेड है मुकद्दम ए या फिर जिसको हम कह रहे हैं आमील।
एडमिनिस्ट्रेशन इनका बहुत ही जबरदस्त था, प्रशासनिक व्यवस्था अति उत्तम थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्टेड ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट्स, केंद्र सरकार में कई विभाग शामिल थे, ही सेट अप कंटोनमेंट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर एंड स्ट्रॉन्ग गैरिसन वाज पोस्टेड इन ईच कंटोनमेंट, इन्होंने अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में छावनियां बनाई थी, प्रत्येक छावनी में एक शक्तिशाली दुर्ग रक्षक होता था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इफेक्टिवली रिओर्गनाइज and branding of horses was done. सैन्य प्रशासन कुशलता से पुनर्गठित किया गया था, घोड़ों की ब्रांडिंग की गई, करेंसी इन्होंने सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स, उन सिल्वर कॉइन्स को कहा जाता था दम, एंड विच रिमेन्ड इन सर्क्यूलेशन टिल 1835. आज के टाइम में भी जो रुपया कहलाता है वो शेरशाह सूरी के समय का ही है. इशूड द कॉइन कॉल्ड रुपया, फिक्स्ड स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स ऑल ओवर द एम्पायर. ठीक है, ऑल ओवर द एम्पायर. देखो, इससे पहले भी चांदी के सिक्के हुए और इससे पहले भी सोने के सिक्के हुए, परंतु कितनी चांदी हो कि किसी सिक्के को चांदी का सिक्का कहा जाए? क्या 50% चांदी हो, 60% चांदी हो, 70% चांदी हो, कितनी चांदी हो, ये सभी चीजें इन्होंने फिक्स की. इनके पास किसान गए और उन्होंने गुहार लगाई कि महाराज, किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा भार है टैक्स का, आप हमें जरा रियायत दें और टैक्स ना बढ़ाएं. तो इन्होंने फिर ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर ध्यान दिया और इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं किसानों के ऊपर टैक्स नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये किसानों की दिक्कतें जानते थे, जागीरदार के बेटे थे ये. तो फाइनली इन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों तक ये शासक रहे और जो कुछ इनसे बन सका वो इन्होंने किया. रेवेन्यू रिफॉर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है. इनके लैंड सर्वे वॉज केयरफुली डन. इन्होंने जितनी भी कृषि भूमि थी, कल्टिवेबल लैंड्स थी, सभी प्रकार की खेती योग्य भूमि को इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया. वो 3 कैटेगरीज थी गुड, मिडिल और बैड. ठीक है, यानी कि अच्छी भूमि, मध्य भूमि एवं खराब भूमि. जो किसान थे, पेजेंट्स यूज टू पे इन कैश और क्रॉप, और पेजेंट्स कितना देते थे? 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस. ही इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ local responsibility for local crimes. Principle of local responsibility for local crimes, यानी कि स्थानीय अपराधियों के लिए स्थानीय जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू किया गया. जो village heads वगैरह होते थे वो ही local crimes को sort out करने लगे. और कहते हैं इसके time में law and order की व्यवस्था बहुत ही strong थी शेरशाह सूरी के समय में. मुकदम्स वर पनिश्ड फॉर फेलियर टू फाइंड कल्प्रिट्स. ये जो लाइन है बेहद इंपॉर्टेंट है. इसी की वजह से तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ठीक थी. मुकदम क्या थे? मुकदम विलेज हेड थे. अगर वो जो विलेज हेड है वो कल्प्रिट्स को नहीं पता लगा पाते कि कौन कल्प्रिट था जिसकी वजह से वो अपराध हुआ, तो उन्हीं को पनिश किया जाता था. पेजेंट वॉज गिवेन अ पट्टा. पट्टा का मतलब है टाइटल डीड. आज के जमाने में भी होती है. लिखित में बताया जाता है कि आप जमीन के मालिक हैं. पेजेंट्स को यह पट्टा दिया गया. और काबुलियत होती है डीड ऑफ अग्रीमेंट विच फिक्स द पेजेंट्स राइट्स एंड टैक्सेस. जमींदार वर रिमूव्ड एंड द टैक्सेस वर डायरेक्टली कलेक्टेड. ये है इनके रेवेन्यू रिफॉर्म्स. बात करें ट्रांसपोर्ट की, ही लेड 4 इंपॉर्टेंट हाईवेज. इनको बहुत अच्छे से पता था कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स है मुझे उसको बढ़ाना है ताकि रेवेन्यू बढ़ सके. तो इन्होंने इंपॉर्टेंट सड़कें बनवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा. सोनारगांव से सिंध तक, आगरा टू बहरामपुर, फिर है जोधपुर टू चित्तौड़ एंड लाहौर टू मुल्तान. इन्होंने जीटी रोड बनवाई, ग्रैंड ट्रंक रोड दैट रन्स फ्रॉम कैलकटा टू पेशावर. ये पुराने जमाने में शेरशाह सूरी मार्ग कहलाता था. फिर इसको जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इसको बदल के बोल दिया जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड. ये जो सड़कें इन्होंने बनवाई, इन पर इन्होंने कुछ निश्चित दूरी के बाद गेस्ट हाउसेस बनवाए. ये जो गेस्ट हाउसेस जिनको सराय कहा जाता था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे. ये वहां पर मुस्लिम ट्रेडर्स, हिंदू ट्रेडर्स दोनों रुकते थे. दोनों के अलग अलग ठहरने की व्यवस्था होती थी. ये डाक चौकियों का काम भी करते थे. ओके, और फिर इन रेस्ट हाउसेस के चारों तरफ गांव बसाए गए. और ऐसा कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई यात्री गुजर रहा है, कोई ट्रेडर गुजर रहा है और उसका माल लूट लिया जाए, तो जिस गांव के क्षेत्र में वो लूटा गया है उस गाँव का जो हेडमैन होता था उसकी जवाबदेही बनती थी. अगर वो जवाब नहीं दे पाया, वो कल्प्रिट को पकड़ कर नहीं पेश कर पाया, तो ऐसी सिचुएशन में हेडमैन को लॉसेस के लिए कंपनसेट करना पड़ता था. रेस्ट हाउसेस वर बिल्ट ऑन द हाईवेज फॉर कन्वीनियंस ऑफ ट्रैवलर्स. इन्होंने कम्युनिकेशन को काफी जबरदस्त तरीके से इंप्रूव किया. एस्टिमेट्स ऑफ शेरशाह. शेरशाह के बारे में बात की जाए तो क्या कैसे निकल के आते हैं? वो एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम थे, धार्मिक
रिलीजियसली वो टॉलरेंट थे, ठीक है, हालांकि स्वयं वो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे लेकिन दूसरे रिलीजन्स के प्रति टॉलरेंट. उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हिंदूज को भी एम्प्लॉय किया. ओके, आपने नाम सुना होगा टोडरमल का. टोडरमल जो है, आगे जाकर अकबर के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उनके नवरत्नों में टोडरमल थे. ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे अकबर के, पर इन्होंने शेरशाह सूरी के साथ भी काम किया था. ही पेट्रनाइज्ड लर्नेड मैन, विद्वानों का ये सम्मान करते थे. मलिक मोहम्मद जैसी, कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, मलिक मोहम्मद जैसी जिन्होंने पद्मावत लिखी है रानी पद्मिनी के बारे में, उनके जौहर के बारे में, वो इन्हीं के कार्यकाल में थे. इन्होंने दिल्ली का पुराना किला बनवाया और इनको मरने के बाद सासाराम जो कि बिहार में है वहां इनको दफन किया गया. ही वो सक्सीडेड बाय इस्लाम शाह, इनके बाद आते हैं इस्लाम शाह एंड इस्लाम शाह वो सक्सीडेड बाय मोहम्मद आदिल शाह. तो ये थे सूरी डायनेस्टी के सभी बाद वाले रूलर्स. अब हम बात करते हैं अकबर की. अकबर का जो टाइम पीरियड है वो है 1556 टू 1605. बहुत ही कम उम्र में, करीबन 14 साल के थे अकबर. 1542 का इनका जन्म है, ठीक है, 1542 का इनका जन्म है और इनके पिता की मृत्यु, हुमायूं के मृत्यु के बाद 14 साल की उम्र में ये राजा बने. अकबर जो हैं एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं थे. ही असेंडेड द थ्रोन अंडर द टाइटल ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी एट द एज ऑफ 14 एट काला नौर इन पंजाब. कहते हैं जब पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई, 1555 में तो हुमायूं दोबारा से शासक बने थे, 1556 में उनकी मृत्यु हो गई, वो अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गए थे. उसके बाद क्या होगा, जब देखो ऐसा पता चलेगा कि राजा तो है उसकी मृत्यु हो गई और उसका बेटा केवल 14 वर्ष का है, तो बहुत सारे शत्रु क्या चाहेंगे कि फटाफट वो गद्दी को हथिया लें. लेकिन अकबर के पास बैरम खान था. बैरम खान ने क्या किया, बैरम खान ने चुपचाप अकबर की ताजपोशी कर दी पंजाब कालानौर में. हिज ट्यूटर बैरम खान वाज अपॉइंटेड एज हिज रीजेंट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोनार्क्स इन इंडिया. अकबर को अकबर द ग्रेट के नाम से हिस्ट्री याद करती है. सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ जैसे ही ये राजा बने, 5 नवंबर 1556 को हुआ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. ये किस किस के बीच हुआ, ये हेमू एक तरफ थे, हेमू जो थे द हिंदू जनरल थे ये मोहम्मद आदिल शाह के, और दूसरी ओर बैरम खान थे जो रीजेंट थे अकबर के. और हेमू के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो एक भी लड़ाई नहीं हारे थे, वो पूरी तरह से अपने आप को ढकते थे, केवल उनकी आंखें नजर आती थी और उसके बाद वो हाथी पर बैठकर भाले से नीचे वाले लोगों पर वार किया करते थे और वो एक भी लड़ाई नहीं हारे थे. तो बैरम खान को बहुत अच्छे से पता था कि हेमू जो है उसको हराना आसान नहीं होगा. बैरम खान जो है उन्होंने एक तीरंदाज की ड्यूटी लगाई कि तुम्हें केवल हेमू की आंख में तीर मारना है, क्योंकि केवल आंख एक वो हिस्सा था जो नजर आता था, बाकी तो पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक कवर्ड होते थे युद्ध भूमि में. तो जब बैरम खान ने ये ड्यूटी लगाई तो फाइनली फिर उसके बाद हेमू की आंख में तीर लगा और 1556 की जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था वो हेमू हार गए. हेमू जो एक भी लड़ाई नहीं हारा था वो 14 साल के नए शासक से हार गया. और जब अकबर की विजय हुई तो सबने ये माना कि इस बच्चे को हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके सर पर बैरम खान का हाथ है. हेमू वॉज डिफीटेड, कैप्चर्ड एंड स्लेन बाई बैरम खान. The war ended, युद्ध खत्म हुआ एंड मुगल अफगान कॉन्टेस्ट फॉर द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन फेवर ऑफ मुगल्स एंड एनेबल्ड अकबर टू रीऑक्यूपाई दिल्ली एंड आगरा. अकबर एंडेड द रेजेंसी ऑफ बैरम खान. बैरम खान जो है 1560 तक करीबन वो सारा कार्यभार संभालते हैं. थोड़ा सा कहते हैं कि उनमें थोड़ी डिक्टेटरशिप वाली भावना भी आ गई थी, पर इसी बीच अकबर भी बड़े हो रहे थे, वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे. 1560 में वो दिल्ली से ये कहकर निकलते हैं कि वो शिकार पर जा रहे हैं, पर वास्तविक रूप से वो आगरा चले जाते हैं और वहां जाकर आदेश जारी कर देते हैं कि मेरे सभी नोबल्स मुझे यहां आगरा आकर रिपोर्ट करें और बैरम खान को मैं बर्खास्त करता हूं. और उसके बाद वो बैरम खान को कहते हैं कि वो हज पर चला जाए. देखिए उस जमाने में क्या होता था कि अगर कोई बहुत सम्मानजनक था पर आप उसको हटाना चाहते हैं तो उसको कैद कारखाने में नहीं डाला जाता था, उसे कहा जाता था कि आप हज पर चले जाइए. तो ये 1560 से अपने आप अपना किंगडम को चलाने की कोशिश करेंगे एंड एट द एज ऑफ 18 ही अज्यूम द रेन्स ऑफ हिज किंगडम. हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट वर एक्सटेंसिव. इन्होंने चारों दिशाओं में साम्राज्य को बड़ा करने की कोशिश की. हिज एम्पायर वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम आगरा टू गुजरात इन नॉर्दर्न इंडिया एंड देन फ्रॉम आगरा टू बंगाल. ही स्ट्रेंथेंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर.
अकबर को याद किया जाता है उनके रिलेशंस विद राजपूत्स के लिए, उनकी राजपूत पॉलिसी के लिए. इनकी राजपूत पॉलिसी जो है बहुत ही उल्लेखनीय है. ही केप्ट अ केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलिएटिंग. वे हराने और अपमानित करने में अंतर समझते थे. उन्होंने राजपूत प्रिंसेस जोधा, जो कि डॉटर ऑफ राजा भारमल थी, उनसे शादी की. After this point, history of Mughals had taken a turn. Rajputs served Mughals for 4 decades and Mughals had awarded them with military general positions for their services. Raja Bhagwan Das aur Raja Man Singh sabse acche udharan hai is cheez ke ki Rajputon ne serve kiya Mughals ko as military generals. Ranas of Mewar were hostile towards Mughals and they think that it's better to die instead of accepting Mughal superiority. Mewar ke Rana Mughalon ko apna shatru samajhte the aur wo aisa mante the ki hum kabhi bhi Mughalon ko apne se superior accept nahi karenge. Isi mein Akbar ki pure period mein ek bahut important battle hai, Battle of Haldighati. Battle of Haldighati, Man Singh led Mughal army. Mughal army ka netritv kar rahe the Man Singh. इन्होंने डिफीट किया महाराणा प्रताप को 1576 में. दूसरी तरफ महाराणा प्रताप थे. आफ्टर द डिफीट ऑफ मेवार मोस्ट ऑफ राजपूत रूलर्स एक्सेप्टेड मुगल सुजरेनिटी. ठीक है, मेवाड़ की हार के बाद अधिकांश राजपूत शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली. दिस राजपूत पॉलिसी हैड बेनिफिटेड बोथ मुगल्स एंड राजपूत्स इन सेवरल वेज. दे नीड नॉट टू बी हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर. मुगल्स वर हैविंग द ब्रेवेस्ट वॉरियर्स. दिस हैड एनश्योर्ड पीस इन राजस्थान. रिलीजियस पॉलिसी की अगर बात की जाए, एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्सी एंड बाइगोट्री ऑफ रिलीजियस प्रीस्ट, अकबर प्रोक्लेम्ड अ न्यू रिलीजन. अकबर एक नया रिलीजन लेकर आए जिसका नाम था दीन ए इलाही इन 1581. देखो, अकबर जो है ही वॉज अ क्यूरियस पर्सन, बहुत ही उत्सुक व्यक्ति थे. उन्होंने ये देखा कि इतनी सारी लड़ाइयाँ केवल धर्म के नाम पर हो रही हैं. विभिन्न धर्मों के बारे में उन्होंने जानना चाहा और उसके बाद एक वो नया धर्म लेकर आए जिसका नाम है दीन ए इलाही 1581 में. ये जो नया रिलीजन था, क्या ये वास्तविक रूप से एक नया रिलीजन था? जी नहीं, यह नया धर्म जो था यह हिंदू मुस्लिम जैन एवं ईसाई धर्म की मिश्रित शिक्षाओं पर आधारित था. इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट. बीरबल वॉज द ओनली हिंदू हु फॉलोड दिस न्यू रिलीजन. इसमें कोई नहीं, इसमें इसका कोई नबी नहीं था. इस धर्म को स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू व्यक्ति जो थे वो बीरबल थे. रीजंस फॉर हिज टॉलरेंट पॉलिसी वर हिज अर्ली कॉन्ट्रैक्ट्स विद सूफी सेंट, टीचिंग्स ऑफ हिज ट्यूटर अबू लतीफ, हिज मैरिज विद राजपूत वुमेन. इन्हीं सभी कारणों के वजह से अकबर जो थे वो टॉलरेंट बने. His association with intellectual giants like Sheikh Mubarak and his ambition to establish an empire in Hindustan. अगर आप इतने बड़े हिंदुस्तान में एक एम्पायर सेटअप करना चाहते हैं जो कि इतना डाइवर्जिंग है, जो कि जिसमें इतनी ज़्यादा अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो आपको एक टॉलरेंट पॉलिसी तो अपनानी ही पड़ेगी. ठीक है, आगे हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क्स की. अकबर ने बनाया फतेहपुर सीकरी, आगरे का किला, लाहौर का किला, अलाहाबाद का किला और हुमायूंस टूम्ब एट दिल्ली जो है इनके समय में पूरा हुआ. उनके बारे में ये कहा जाता है कि अकबर हैड नो सन. अकबर का कोई बेटा नहीं था काफ़ी लंबे समय तक. तो शेख सलीम चिश्ती के पास ये जाते हैं जो कि एक सूफी संत थे और उनके आशीर्वाद से अकबर का जन्म होता है. तो अपने बेटे का ये नाम रखते हैं सलीम या शेखू, बाबा या जहांगीर. ऐसा कहा जाता है कि लंबे समय तक अकबर का कोई पुत्र नहीं था. शेख सलीम चिश्ती नामक एक सूफी संत ने उसे पुत्र का आशीर्वाद दिया जिसका नाम सलीम यानी शेखो बाबा जहांगीर था. इन ऑनर ऑफ सलीम चिश्ती अकबर शिफ्टेड हिज कोर्ट फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सीकरी. कुछ समय के लिए फतेहपुर सीकरी को भी अपनी राजधानी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फतेहपुर सीकरी में पानी का अभाव था जिस वजह से इनको राजधानी को अबैंडन करना पड़ा. 1575 में इन्होंने इबादत खाना बनवाया. इबादत खाना है फतेहपुर सीकरी में. ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें ये डिस्कस करते थे अबाउट रिलीजन के बारे में. अगर कोई व्यक्ति नास्तिक भी था, एथिस्ट भी था, तो उसको आमंत्रित किया जाता था कि आओ और मुझे बताओ तुम नास्तिक हो क्यों. ही स्टार्टेड डिस्कशंस ऑन रिलीजन विद द उलेमास, द ब्राह्मणास, द प्रीस्ट्स हु वर रोमन कैथोलिक्स एंड इवन विद ज़ोरास्ट्रियंस. लेकिन फिर हुआ क्या कि जब सभी धर्मों पर डिस्कशंस होने लगी तो महाराज के बारे में अफवाहें उड़ी कि प्रोबेबली महाराज जो हैं वो इस्लाम धर्म को त्यागना चाहते हैं. तो जब इस तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी होने लगी तो फाइनली इबादत खाना को इन्होंने बंद किया. दीज डिस्कशंस टू प्लेस इन इबादत खाना.
Land revenue administration, main source of income was tax on the produce of the peasantry. Land revenue system अकबर के समय जो था उसको जब्ती या बंदोबस्त सिस्टम कहते थे. जबरदस्त इंप्रूवमेंट किया गया टोडरमल के द्वारा. टोडरमल इनके रेवेन्यू मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर थे. इन्होंने एक दाशाला बंदोबस्त दिया जिसको पूरा किया गया था 1580 में, और दाशाला बंदोबस्त में पिछले 10 वर्षों का देखा जाता था लेखा जोखा, फिर उसके हिसाब से टैक्स लगाया जाता था. अकबर के समय में बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते थे किसानों को, ठीक है. अकबर के समय में बहुत सारे ऑप्शंस थे, आप खड़ी फसल पर देना चाहते हैं, आप फसल काटने के बाद देना चाहते हैं, जैसा भी किसान को ठीक लगे. इतने सारे ऑप्शंस में से वो अपने हिसाब से चुनता था. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये आप जरा ध्यान से देखिए. इंपॉर्टेंट ईयर्स ड्यूरिंग अकबर्स रेन. 1562 में अकबर पहली बार अजमेर गए थे, उन्होंने अजमेर का दौरा किया. उसके बाद 1562 में ही इन्होंने कहा कि जो युद्ध कैदी होंगे जबरदस्त उनका धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा. बैन ऑन फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ वॉर प्रिजनर्स इंटू स्लेव्स, ओके. अबॉलिशन ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स, तीर्थयात्रा कर का उन्मूलन किया. जजिया को इन्होंने अबॉलिश किया 1564 में. फतेहपुर सीकरी की नींव रखी 1571 में. मनसबदारी सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1574 में. इबादत खाना बना 1575 में, जो मैंने बात की थी एक रिलीजियस बिल्डिंग थी. 1578 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन इबादत खाना. 1579 में प्रोक्लेमेशन ऑफ मजहर. 80 में दाशाला बंदोबस्त की इन्होंने शुरुआत की. और 1582 में इन्होंने एक नया रिलीजन दिया, दीन-ए-इलाही, ओके. ये इन्होंने नया रिलीजन दिया. अकबर के दरबार में 9 नवरत्न भी थे. अब वो 9 नवरत्न कौन कौन से थे मैं आपको ये बताती हूँ. बीरबल, बीरबल का नाम आपने जरूर सुना होगा. ये महाराज के कंपेनियन थे, हाजिर जवाब थे, एंटरटेनर थे महाराज के, बीरबल, ओके. उसके बाद अबुल फजल, ये स्कॉलर एंड स्टेट्समैन थे. फैजी जो हैं ये स्कॉलर एंड स्टेट्समैन थे और ये अबुल फजल के ब्रदर भी थे. टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे. भगवान दास मनसबदार थे, सन ऑफ भारमल थे. मान सिंह भी मनसबदार थे, ग्रैंड सन ऑफ भारमल थे. तानसेन म्यूजिशियन थे. अब्दुल रहीम खान खानन, आपने जरूर रहीम के दोहे सुने होंगे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए. यस, अब्दुल रहीम खान खाना और ये बैरम खान के पुत्र थे. और मुला दो प्याजा, ये अकबर के दरबार के 9 नवरत्न थे, ठीक है. तो इसी के साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन खत्म होती है. मैं आपसे अगली प्रेजेंटेशन में फिर मिलूंगी. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग.